हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज की क्लास में हम स्क्वायर्स के शॉर्टकट्स निकालने सीखेंगे। बहुत जल्द आप यहां इसको निकाल पाएंगे अगर आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं। तो यहां मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप 1 स्क्वायर 2 30 स्क्वायर लर्न कर लें, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। फिर हम बड़े स्क्वायर्स यहाँ से सीधे निकाल पाएंगे। निकाल तो हम ये भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लर्न ही कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये लर्न हो जाते हैं, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपको लर्न है, ठीक है, 25 तक भी करेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको 50 के नियर बाय नंबर के स्क्वायर्स की बात करूंगा, फिर उससे ऊपर भी जाएंगे धीरे धीरे। तो 50 के नियर बाय अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो बेस वैल्यू लेनी होगी, आधार मानना होगा, वो 50 मानना होगा। और यहाँ पर इसका एक सब बेस भी आप लेंगे, तो यहाँ पर इसका सब बेस, सॉरी, यहाँ पर इसका आप सब बेस लेंगे 25, ठीक है। देखिए इससे कैसे हम कितनी जल्दी जल्दी स्क्वायर्स को अपने निकाल पाते हैं। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 48 का, तो 48 को देखिए 50 से कितना कम आ रहा है, तो 50 से ये 2 कम आ रहा है, ठीक है। 50 और 48 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, लेकिन ये हम 04 लिखेंगे, ठीक है, 04 ही लिखना है 50 के आसपास। ऐसा आप याद कर लीजिए कि कॉन्सेप्ट पूरा है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं बताऊंगा तो बहुत फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो 04 आप यहाँ लिखिए, 2 डिजिट में आपको लिखना होता है, ऐसा याद रखिए। फिर क्योंकि ये 2 लेस था 50 से, उसका जो सब बेस हमने लिया है 25 से 2 आप माइनस कर दीजिए, तो 2304 आ जाएगा स्क्वायर 48 का, ठीक है। तो आसान है। अब देखिए, मान लीजिए मैं 52 का स्क्वायर करना चाहता हूँ, तो 52 क्या है, 50 से 2 अधिक है, ठीक है। 48 2 कम था, 52 2 अधिक है। अगर 52 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर वही 2 डिजिट में 0 पर आप लिखेंगे। फिर क्योंकि ये 2 अधिक था, तो हम सब बेस 25 में इसको प्लस कर देंगे, तो 25 + 2 = 27 आपका 52 का वर्ग आ जाएगा, ओके। मान लीजिए आप स्क्वायर करना चाहते हैं 43 का, तो 43 कितना लेस है 50 से, 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना। तो 49 क्योंकि 2 डिजिट में, तो इसको सीधे लिख दीजिए आप, और 7 लेस था, तो 25 से 7 को माइनस कीजिए, तो ये 1849 स्क्वायर आ जाएगा 43 का, ठीक है। 43 का वर्ग 1849 आ जाएगा। मान लीजिए आपको 57 का वर्ग निकालना है, तो 57 कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है 50 से, 7 अधिक है, तो 7 का वर्ग 49, 2 डिजिट में ही आप लिखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट में आ रहा है तो सीधे लिख देंगे, और फिर 7 ज़्यादा है, तो सब बेस जो हमने लिया था इसका, उसमें इसको प्लस कर देंगे, तो 25 + 7 आपको ये आ जाएगा 32। मान लीजिए आपको निकालना है स्क्वायर 37 का, 37 का, 37 कितना काम है, 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ केवल आप 69 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, क्योंकि मुझे 2 ही डिजिट लिखना है, ठीक है। फिर 13 कम था, तो 13 माइनस करेंगे 25 से, तो 25 से 13 माइनस करने पर आएगा आपको कितना, 12, और 12 में जो हमारा एक कैरी हो रहा था वो प्लस कर देंगे, तो 1369 आपको 37 का स्क्वायर मिल जाएगा। मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 63 का, तो 63 कितना अधिक है 50 से, 13 अधिक है, है ना, 13 अधिक है, तो 13 का स्क्वायर 69 आप यहाँ लिखेंगे, और 1 कैरी करेंगे। फिर क्योंकि ये 13 अधिक है, तो 25 में 13 प्लस करेंगे, तो 25 में 13 प्लस करके आपको आएगा 38, और एक जो आपका कैरी हो रहा है वो आप यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो 3969 आपको स्क्वायर आ जाएगा 63 का, ठीक है। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 29 का, थोड़ा स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, तो 29 में आप देखेंगे 50 से 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 41 आप लिखेंगे और 4 आप करेंगे कैरी आउट, 4 को आप हासिल बचाएंगे। फिर क्योंकि ये 21 कम था, तो 25 से 21 कम आपने किया, तो बचता है 4, और जो 4 आपने कैरी आउट किया था, हासिल बचाया था, वो यहाँ प्लस कर दीजिए, 4 और 4 8, तो 8 से 41 आपको 29 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको 33 का स्क्वायर निकालना है,
तो 35, 17 काम है, 17 का स्क्वायर आता है 289, तो 89 लिखेंगे, 2 आप कैरी करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये 17 कम था तो 25 से 17 कम करके आपको मिलेगा 18, ठीक है, सॉरी 8, 25 से 17 कम करके आपको मिलेगा 8, और जो 2 आपका कैरी हो रहा था वो यहाँ प्लस करेंगे तो 1089 आपको 35 का वर्ग आ जाएगा। मान लीजिए आपको वर्ग करना है 71 का, 71 कितना एक्स्ट्रा है, 21 एक्स्ट्रा है, 50 से तो 21 का स्क्वायर 4 से 41, 41 लिखेंगे, 4 आप कैरी करेंगे, आराम से मेरी बात को सुनते जाइए, ठीक है। 4 आपने कैरी कर लिया, अभी कितना ज़्यादा था, 50 से 21 ज़्यादा था, तो 25 में 21 आप प्लस करेंगे तो 25 प्लस 21 46 आएगा, और 46 में जो आपका कैरी हो रहा था 4 वो प्लस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 50, 5041 स्क्वायर ऑफ 71। इसी तरह से मान लीजिए आपको 67 का स्क्वायर करना है, तो 67 कितना एक्स्ट्रा है, 17, 17 का स्क्वायर 289, तो केवल 89 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, अब क्योंकि 17 अधिक है तो 25 में 17 प्लस करेंगे, तो 25 और 17 42, और जो 2 कैरी हो रहा था वो यहाँ प्लस कर देंगे, तो 4489 या 67 का आपका वर्ग आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर है, बहुत इजी मेथड है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए तो ये आपको ऐसे हो जाएगा जैसे आपको लर्न है, आप मन मन में ही इसका आंसर कर देंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इससे आपको कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और बैंकिंग में तो डायरेक्ट स्क्वायर भी पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप जब डीआई करने के लिए जाएंगे तो डीआई में काफ़ी जगह ये आपको हेल्प करने वाला है, जब आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करने जाएंगे तो वर्ग से रिलेटेड, क्यूब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं, वहाँ ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। जब आप एलसीएम एचसीएफ में वर्ग या वर्गमूल में क्वेश्चन करने जाएंगे तो हाँ ये आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है मेथड, ठीक है। तो ये मैंने 50 के आसपास के स्क्वायर अभी आपको बताए हैं, अभी मैं आपको 100 के आसपास के बताऊंगा, और अगली वीडियोस में मैं अगर हो सका तो उससे ऊपर के स्क्वायर भी बताऊंगा, अगर मेरे पास मुझे टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए इसको अभी मैं हटा रहा हूँ, 100 पर बात करते हैं। अगर आपको 100 के आसपास के स्क्वायर सीखने हैं तो पहले तो मैंने आपको जो बताया कि 130 तक के स्क्वायर्स कम से कम आप लर्न कीजिए, तो 100 में 100 के आसपास में आप बेस लेंगे 100 खुद, और जो सब बेस आपका होगा ये आपका बेस है, और सब बेस आपका यहाँ पर क्या होगा, सब बेस नंबर इटसेल्फ, ऐसा आप याद रखिए, नंबर इटसेल्फ। तो मान लीजिए मुझे 98 का स्क्वायर करना है, तो 98 100 से कितना कम है, 2 काम है, तो यहाँ भी वही 2 डिजिट आपको लिखनी है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आप 04 लिखेंगे, और क्योंकि 2 काम है तो नंबर इट सेल्फ आपका सब बेस है, तो 98 से 2 माइनस कर दीजिए 96, तो 9604 स्क्वायर ऑफ 98। मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 102 का, तो ये 100 से 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 का स्क्वायर 04, और क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है तो 102 में 2 प्लस करेंगे तो 104 स्क्वायर ऑफ 102। मान लीजिए आपको स्क्वायर निकालना है 93 का, 93 कितना काम है, 7 काम है, तो 7 का स्क्वायर 49, अब फिर 7 का स्क्वायर 49 और 93 में से 7 माइनस कर दीजिए, 93 से 7 माइनस करेंगे तो 86, तो 8649 स्क्वायर ऑफ 93। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर 49 डबल डिजिट मारा था तो आपने डबल डिजिट में ही लिख दिया, ठीक है। तो अगर डबल डिजिट में तो सीधे वैसे ही लिख देंगे, सिंगल में है तो उसको डबल बनाएंगे, और अगर उससे ज़्यादा में है तो 2 डिजिट लिखकर आप कैरी आउट करके बाकी आगे उसको प्लस कर लेंगे। मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 89 का, कितना काम है, 11, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 21 आप लिखेंगे, 1 आप कैरी करेंगे, फिर क्योंकि 11 काम है तो 89 से 11 आप हटाएंगे तो आएगा 78 और प्लस 1, तो 7921 स्क्वायर ऑफ 89, ठीक है। मान लीजिए आपको 107 का स्क्वायर करना है, तो 107 में ये 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 आप लिखेंगे, 7 आपको एक्स्ट्रा है तो 107 में ही 7 आप प्लस करेंगे तो 114, ठीक है, कैरी कुछ था नहीं तो सीधे 114 आप लिख देंगे, तो स्क्वायर आ जाएगा 107 का। मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 111 का, तो ये कितना एक्स्ट्रा है, 11 एक्स्ट्रा है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 21 लिखेंगे, 2 ही डिजिट लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, फिर क्योंकि 11 एक्स्ट्रा तो 111 में 11 प्लस करा तो 122, और 122 में 1 प्लस करेंगे जो आपका कैरी हो रहा था, तो 123, तो 1 2 3 2 1
वर्ग आ जाएगा 111 का। ठीक है, मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 117 का, कितना ज्यादा है ये, 17 ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे, अब फिर 17 इसमें सीधे प्लस करेंगे तो 17 में 134 और 2 100, तो 13689 स्क्वायर ऑफ 117। मान लीजिए आपको स्क्वायर करना है 87 का, तो 87 कितना काम है, 13 काम है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 69 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, फिर क्योंकि 13 काम है तो 87 से 13 हटाइए, 87 से 13 हटाने पर आएगा आपको 74, और जो आपका 1 कैरी हो रहा था वो यहाँ पर प्लस कर देंगे, 74 प्लस 1 75, 7569 स्क्वायर ऑफ 87। मान लीजिए 113 का स्क्वायर आपको करना है तो 13 एक्स्ट्रा है, तो 13 का स्क्वायर 169, 69 आप लिखेंगे, दो डिजिट लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 113 में 13 प्लस करके 126 प्लस 1 127, तो 12769 स्क्वायर ऑफ 113। आई होप क्लियर हो रहा है। अच्छा चलिए 85 का स्क्वायर करना है, तो ये 15 काम है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 25 लिखेंगे, 2 आप कैरी करेंगे, क्योंकि 15 का मतलब 15 यहाँ से माइनस करेंगे तो आएगा कितना 70 और प्लस 2 जो कैरी हो रहा था, तो 7225 स्क्वायर ऑफ 85। तो वेरी फास्ट मेथड लग रहा होगा आपको, समझ आ रहा होगा, आगे में और भी वीडियोस इस पर बनाऊंगा वैदिक मैथ्स पर, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट्स भी आपको देने हैं क्या आपको लगता है या क्या और इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो मेरा चैनल है तो इसके जरिए मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाने की सोच रहा हूँ, जो भी मुझे मैंने अभी तक अपने 15 से 20 साल के करियर में एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपको पूरी तरह से देने के लिए तत्पर हूँ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है और चैनल तक उन लोगों को लाना है, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आप लोगों के लिए इस तरह के क्लासेस देता रहा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।